हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो 2023 और 24 बैच अभी इसी साल बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे तो अभी उसके देखिए एडमिशन प्रोसेस चल रहा है काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है सेकेंड राउंड भी फिनिश हो चुका है लेकिन सेकेंड राउंड की डेट अभी देखिए एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं जो भी स्टूडेंट को जिस भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल गई थी तो उसमें जाके अभी एडमिशन देखिए 18 तारीख से लेके अभी इसी में अट्ठारह से देखिए अट्ठारह जुलाई से लेके आपका चौबीस जुलाई तक आपका एडमिशन इस जाके पूरा कंप्लीट कराएं फिर नेक्स्ट राउंड अब नेक्स्ट राउंड आपके होने वाले हैं तो नेक्स्ट राउंड माफो राउंड के लिए काफ़ी स्टूडेंट एग्रेसिव भी हैं जिस भी स्टूडेंट का अभी एडमिशन नहीं हुआ काउंसलिंग नहीं हुई है कुछ तो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिसको फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज भी अलाट हो गए थे लेकिन वो एडमिशन ही नहीं लिए कुछ खुद के पर्सनल उनका प्रॉब्लम जो भी रहा है. तो अब वो सब पूछ रहे हैं क्या मापअप राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं और मापअप राउंड होता क्या है ये भी काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मापअप राउंड होता क्या है काउंसलिंग तो सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड लेकिन मापअप राउंड का मीन्स क्या होता है तो देखिए मापअप राउंड का मतलब होता है ओपन जिसको बोल सकते हैं ओपन ओपन काउंसलिंग बोल सकते हैं तो ओपन काउंसलिंग मापअप राउंड का मीन्स होता है जितनी भी सीटें टोटल वैकेंट रह जाएंगी खाली रह जाएंगी वो सभी सीटों पर मापअप राउंड में काउंसलिंग आप डायरेक्ट करा सकते हैं तो मापअप राउंड का इसमें कोई ये नहीं चूज किया जाता है कि कोई रैंक डिसाइड किया जाएगा कि इतने रैंक से लेके इतने रैंक तक स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में करा सकते हैं तो देखिए मापअप राउंड का एक क्राइटेरिया अभी आएगा कि तो कौन कौन से स्टूडेंट इसको करा सकते हैं वैसे सभी करा सकते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिसके साठ नंबर हैं नॉट क्वालिफाई हैं तो उनको क्या राउंड वो करा सकते हैं कि नहीं तो अभी एक मापो राउंड के लिए एक ब्राउचर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड की जाएगी इनकी वेबसाइट पर तो ऐसे हम बताएँगे देखिए अभी जब नीचे देखेंगे ना सब कुछ आपको कन्फर्म हो जाएगा तो चलिए चलिए देखते हैं आगे के मापअप राउंड के बारे में सब कुछ है, बताते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट मापअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे किसको पाँच सौ रुपये रजिस्ट्रेशन कराना है किसको सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी है और किसको चालीस हज़ार भी पेमेंट करने हैं तो ये सब पूरा इसमें हम लोग देखने वाले हैं तो पाँच हजार पाँच पाँच सौ रुपये हो गया पाँच हज़ार हो गया सब कुछ इसमें क्लियर किया जाएगा इस वीडियो में तो लास्ट तक वीडियो देखिए हर एक स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए अगर आपको मापो राउंड कराना है और अगर आप कुछ गड़बड़ी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में काउंसलिंग में गड़बड़ी किया है तो वो भी आप इसमें कन्फ्यूज़न आपका जो भी है सब दूर हो जाएगा चलिए आगे अकाउंट से रिलेटेड यहाँ से कुछ डेट दिया गया है इसी ब्राउचर में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देखिए डिस्प्ले ऑफ सीट फार मापो ब्राउंड पहले आपका ये देखिए जो सीट बेकेंट है कितनी सीटें कुछ कैटेगरीज वाइज सीटें भी चेंज होगी जैसे जो स्पेशल कैटेगरी है जैसे एस टी पी एच का यस सी पी एच का फ्रीडम फाइटर एक्स फ्रीडम फाइटर ये सब सीट अगर खाली होगी ना तो वो आप डायरेक्ट चेंज कर दी जाएगी तो अभी सब देखेंगे लास्ट में देखिए डिस्प्ले ऑफ सीट फार मापो ब्राउंड कितने मापअप राउंड कितने सीटों के लिए मापअप राउंड ये काउंसलिंग आपकी होने वाली है ये 26 तारीख का आपको आ जाएगा जिसको सीट मैट्रिक्स ऑफ मापअप राउंड बोलेंगे तो ये 26 तारीख को आपका आ जाएगा अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर अलॉटेड सीट अब देख लीजिए डिस्प्ले ऑफ सीट फॉर मापअप राउंड छब्बीस तारीख को आ जाएगा और रेजि... आप अलॉटेड देख लीजिए ये देख लीजिए क्या लिखा है रजिग्नेशन फ्रॉम अलॉटेड सीट ये देख लीजिए अलॉटेड सीट का आपका सत्ताईस सात टिल आप ये कर सकते हैं स्टार्टिंग आप रिजाइनेशन जो आप स्टूडेंट जो रिजाइन कर रहे होंगे मान लीजिए जो फर्स्ट सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो सीट अलाट हो गई है वो सत्ताईस तारीख तक आप रिजाइन कर सकते हैं तो सत्ताईस तारीख से रिजाइन आप कर सकते हैं तो उसे रिजाइन हो जाएगी टोटल इसमें वैकेंट सीटें रहेंगी तो वो आपकी आ जाएंगी तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो मापो राउंड से रिलेटेड जो डेट दिया गया है तो ये देख लीजिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ दो डेट आपकी एक्स्ट्रा दी गई है तो इसमें देख लीजिए इसमें आप ये देख लीजिए रिजिग्नेशन फ्रॉम द अलॉटेड सीट तो मैंने बताया था ना कि मापअप राउंड के लिए अगर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो भी स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है और वो मापअप राउंड में आना चाहते हैं तो उनको पहले रिजाइन करना पड़ेगा वो सीट तो 27 तारीख तक रिजाइन कर सकते हैं और देखिए मापअप राउंड में जो डिस्प्ले ऑफ सीट कितनी सीट खाली है वो छब्बीस तारीख को आपको आ जाएगा कि मापअप राउंड में कितने सीटों के लिए आपकी काउंसलिंग होने वाली है अब देखिए आप आप रजिस्ट्रेशन मापप राउंड के लिए कब से करा पाएंगे स्टार्टिंग आप रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग देखिए 28 तारीख से आप काउंसलिंग भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराएंगे फिर कॉलेज को चूज कर सकते हैं एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट आपकी इकतीस सात है इसी मंथ में इकतीस तारीख तक अट्ठाईस से शुरू होगा इकतीस तक जाएगा तो काफ़ी कम समय है नेक्स्ट में देखिए एंड ऑफ चॉइस फिलिंग आप कॉलेज को चॉइस करेंगे अट्ठाईस से लेकर कर एक तारीख तक आप कॉलेज को भी चूज कर सकते हैं कॉलेज को चूज करने के बाद जो आपका सीट एलोकेशन आएगा सीट कन्फर्मेशन आएगा कि आपको किस कॉलेज में सीट मिल गई है वो आपका तीन तारीख आ जाएगा तीन तारीख को आपका आ जाएगा तीन अगस्त को आ जाएगा फिर उसके बाद आपको जो सीट मिल जाएगी उसमें जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा एक्सेप्टेंस फॉर सीट एलोकेशन चार तारीख से लेकर सात तारीख मतलब चार दिन आपके पास मौका रहेगा उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और देखिए एक अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जो स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है यहाँ पर देख लीजिए ये भी काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या ये जो मापअप राउंड काउंसलिंग होने वाली है यह ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा वहाँ पर कॉलेज जाके कराना पड़ेगा कि कैसे होगा तो ये चीज देख लीजिए इसमें लिखा गया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मापअप काउंसलिंग में भी हेल्ड इन ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफ कैंपस मतलब आपको कैंपस जाके ऑनलाइन कराना पड़ेगा मतलब वहाँ पे जाएंगे टोटल कंप्यूटर सिस्टम रहेगा कॉलेज में तो ऐसे काउंसलिंग हो सकती है ऑनलाइन ऑन कैंपस भी हो सकता है ऑनलाइन ऑफ कैंपस मतलब ऑनलाइन ऑन कैंपस मतलब जैसे अभी फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड जैसे हुआ है ये देखिए मोड डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट कितनी सीट बचती है एंड प्रिविलिंग सिचुएसन एट द टाइम ऑफ मापअप राउंड मापअ राउंड के दौरान कौन सा सिचुएसन रहेगा अकॉर्डिंग सेट तो ये सब डिसाइड किया जाएगा ये अभी आपका पच्चीस छब्बीस चौबीस तारीख को छब्बीस तारीख तक क्लियर हो जाएगा तो इसके लिए आप चिंता ना करें फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मापअप राउंड काउंसलिंग यहाँ से देखिए भाई मापअप राउंड के लिए कौन से कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे मतलब इलिजिबल क्राइटेरिया क्या है तो ये सब चीज़ें नीचे दी गई हैं जैसे देखिए फर्स्ट वाला पढ़िए आल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी प्रीवियस राउंड ऑफ काउंसलिंग जैसे प्रीवियस मतलब पिछले जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई है सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो इस साल हुई है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो डायरेक्ट आप माप ऑफ राउंड काउंसलिंग करा सकते हैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट काउंसलिंग राउंड सेकेंड काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट अगर आप फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे लेकिन आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तब भी आप मापप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द एडमिशन प्रोसेस इन राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड एंड आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मापअप राउंड अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में आपको सीट भी मिल गई है तब भी आप मापअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा रिजाइन करना पड़ेगा उस सीट में अलॉटेड सीट बिफोर रजिस्ट्रेशन तो देखिए आप रजिस्ट्रेशन के पहले माप ऑफ राउंड जब रजिस्ट्रेशन होगा ना अट्ठाईस तारीख से तो फिर उसके पहले आप जो भी सीट मिली होगी वहाँ पर जाकर रिजाइन करना पड़ेगा उस सीट को आपको छोड़ना पड़ेगा दे विल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन द प्रीवियसली अलॉटेड सीट जब वो सीट छोड़ देंगे आप उस पर क्लेम दोबारा नहीं कर सकते डी अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फ़ीस आपकी पाँच हज़ार रुपये और आपकी सीट जो अलाट रहेगी आप जब क्या कर देंगे उसको छोड़ देंगे रिजाइन कर देंगे तो आपकी सीट और आपके पाँच हज़ार रुपये दोनों चले जाएंगे और पाँच सौ रुपये तो जाएंगे ही जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी तो इतना रुपया चला जाएगा लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं या प्राइवेट कॉलेज मिले हैं तो गवर्नमेंट मिले हैं तो आपको रिजाइन करना ही नहीं हो करना नहीं नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा तो ये चीज़ है नेक्स्ट में देखिए फॉलोइंग कैंडिडेट ये देखिए फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट मापअप राउंड काउंसिलिंग में कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मापोप राउंड में ये भी इंपॉर्टेंट है तो देखिए आल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड एंड अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड हैव नॉट रिजाइन जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे उनको सीट मिल गई थी लेकिन वो रिजाइन नहीं करेंगे रिजाइन नहीं किए हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ये चीज़ हो गया फॉर ऑनलाइन ऑफ कैंपस देखिए फॉर ऑनलाइन ऑफ कैंपस अगर कैंपस में जाके अटल बिहारी वाजपेयी या फिर के में कहीं पर भी लखनऊ में होगा तो वहाँ पर अगर ऑनलाइन ऑफ कैंपस अगर होता है प्रोसेस तो अगर काउंसलिंग होती है मापो ग्राउंड की तो ये सब प्रोसेस आपको पहले अपना क्या करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ये सब चीज़ें वहाँ पर करनी पड़ेंगी पाँच सौ लगेगा सिक्योरिटी फ़ीस आपकी पाँच हज़ार लगेगी और आपके ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट साथ में लेके जाना है तो ये सब चीज़ें पूरा हो जाएगा और देखिए इसमें पाँच पचपन सौ रुपये टोटल लगेंगे पाँच सौ और पाँच हज़ार रुपये नेक्स्ट में देखिए फॉलोइंग स्टेप टू बी कम्प्लीटेड बाई कैंडिडेट फॉलोइंग स्टेप ये सब स्टेप की बात कर रहा है। हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग फॉलोइंग स्टेप भी कम्प्लीटेड आपको करना पड़ेगा अगर आप पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर लिए थे तो आपको क्या करना पड़ेगा कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड राउंड फर्स्ट और राउंड सेकेंड आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट सिक्योरिटी फीस ऑफ इनर पाँच हजार रुपये पाँच हजार रुपये आपको जमा करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे लेकिन किसको नहीं जमा करना पड़ेगा पाँच पाँच हज़ार रुपये ये देखिए कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट अगर आप फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे लेकिन कोई सीट आपको नहीं मिली है तो फिर आपको पाँच हज़ार रुपये पेमेंट नहीं करना पड़ेगा सिर्फ पाँच सौ रुपये आपके लगेंगे आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नेक्स्ट ये देखिए ये सब कैंडिडेट लॉगआउट अपनी लॉग इन आई से सब करेंगे और देखिए आप जब कॉलेज को चूज कर लेंगे तो सेव कर देंगे ऑटोमेटिक कॉलेज चूज हो जाएगा सेव करने के बाद ही लॉगआउट अपनी आई कर देनी है नेक्स्ट में ये सब चीज़ें लिखी गई हैं और चीज़ें और चीज़ें इसमें देखते हैं देखिए अगर आप कॉलेज को आप माप ऑफ राउंड कराते हैं तो ये देखिए माप ऑफ राउंड आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन द पोर्टल चूज यानी आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे एक्सेप्ट या डिक्लाइन के अगर आपको कॉलेज लेना है तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे नहीं लेना है तो सेकेंड ऑप्शन डिक्लाइन कर देंगे ये सब अगर दोनों ऑप्शन नहीं चूज करते हैं तो आपके पाँच और पाँच हज़ार रुपये राउंड में दोनों फोर फिटेड uh, for, कर लिए कर लिए जाएंगे मतलब जब्त कर लिए जाएंगे नेक्स्ट में देखिए आल द कैंडिडेट हु आर एलोकेटेड सीट एंड एक्सरसाइज ऑप्शन फर्स्ट आर मैंडेटरी अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं मतलब एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको चालीस हजार रुपये भी पेमेंट करने पड़ेंगे ये देखिए लिखा गया है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी डिपोजिट चालीस हज़ार रुपये राउंड फर्स्ट या राउंड सेकेंड उनको नॉट रिक्वायर्ड री डिपोजिट मतलब अगर आप फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में चालीस हज़ार पेमेंट किए हैं तो आपको चालीस हज़ार पेमेंट नहीं करने हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और अगर कॉलेज में जाएंगे एडमिशन कराने तो दो हज़ार रुपये तो लगेंगे ही ये सबको पता भी होगा वो एडमिशन प्रोसेस फीस है और ये चालीस हजार रुपये जो फ़ीस जमा करेंगे ये एक साल की फ़ीस है कुछ भी प्रॉब्लम हो नहीं समझ में आ रही है तो काउंसलिंग जब से शुरू हुई है लगभग दस बारह वीडियो बनाई गई है तो वो सब आप ज़रूर देखें नेक्स्ट में ये देखिए ये सब आप पूरा इतना डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएंगे अलाटेड अलाटमेंट लेटर रहेगा फिर उसके बाद आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो चालीस हजार पेमेंट जो करेंगे उसकी फीस रिसिपियन ले, ले लेंगे प्रिंट आउट तो ये सब चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कुछ चीज़ें और होंगी तो वो चीज़ें बताते हैं ये सब चीज़ें वीडियो बन चुकी है इस सब चीज़ों की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ यहाँ देखिए ऑनलाइन ऑन कैंपस अगर ऑनलाइन ऑन कैंपस होता है आपकी काउंसलिंग माप आप अग्राउंड तो गाइडलाइन आपकी जारी कर दी जाएगी कैंपस मोड ऑफ़ काउंसलिंग विल भी अपडेटेड लेटर इफ़ रिक्वायर्ड ये देखिए गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन ऑन कैंपस मोड ऑफ काउंसलिंग विल भी अपडेटेड तो आपकी इनकी वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी तो चिंता ना करें कैसे प्रोसेस होगा वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगे देखिए जो मैं कह रहा था कि ये जो सीट होती है ना ये अपग्रेड कर दी जाती हैं जैसे देखिए मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आप समझ जाएंगे देखिए जैसे ई एस कैटेगरी में जो पी डब्लू डी की सीट होती है चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो मान लीजिए एस टी कैटेगरी का, का कोई स्टूडेंट है वो फिजिकल हैंडीक्रप है या फ्रीडम फाइटर है या फिर एन सी एस सी सर्टिफिकेट है या फिर ई एस एम उसके पास सर्टिफिकेट है अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में वो सीटें हैं अभी तक सुरक्षित हैं और स्टूडेंट इस्टूडेंट फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में स्टूडेंट ये स्टूडेंट थे ही नहीं तो वो सीटें क्या कर दी जाएंगी वो डायरेक्ट एसटी में एसटी कैटेगरी में चेंज कर दी जाएंगी उसी हिसाब से एस कैटेगरी में अगर इन सभी स्टूडेंट की सीटें नहीं फिलअप हो, हो हुई होंगी तो वो डायरेक्ट एस कैटेगरी में चेंज कर दी जाएंगी ऐसे ये सब चीज़ें कर दी जाएंगी तो देखिए एस टी थोड़ा सा इसमें आप मापो ग्राउंड में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के ज़रूर रहेंगे तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए कि कितनी सीटें लगभग मापो ग्राउंड में बचेंगी तो पचास साठ मान के चलिए टोटल सीटों की बात करना है सभी कैटेगरी की मिला के पचास साठ सीट सत्तर सीट बचेंगी जरूर पचास सीट चालीस सीट तो मान के चलिए पिछली बार तो बची थी कितनी लगभग सौ सीटों पे माप ऑफ राउंड की काउंसलिंग हुई थी तो इस बार पचास साठ तो बचनी ही चाहिए आइए सीट मैट्रिक्स आने दीजिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो ये सब कुछ चीज़ें आप मैं माप ऑफ राउंड से रिलेटेड बता ही दिया काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं क्या मैंने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में चालीस हजार पेमेंट कर दिए हैं फिर पेमेंट करना पड़ेगा भाई जितने भी स्टूडेंट हैं कोई भी स्टूडेंट अगर चालीस दोबारा आपको पेमेंट नहीं करनी है सिर्फ़ अगर आप मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में सीट मिल गई थी आप आप वहाँ पर एडमिसन ही नहीं कराएँ तो दोबारा हम आप ग्राउंड में कराइए आपके सिर्फ पचपन सौ रुपये जाएँगे और चालीस हज़ार नहीं बेकार नहीं जाएगा तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं सब चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए और एडमिशन कराइए एडमिशन कराने से रिलेटेड सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी आप कॉलेज में जाएंगे सब बुक्स से रिलेटेड सभी चीज़ें फ्यूचर में इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे तो अभी बी नर्सिंग करने के बाद भी जॉब के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है तब जाके सत्तर अस्सी हज़ार रुपये गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं और काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं बी नर्सिंग में कितने रुपये जॉब लगती है अगर गवर्नमेंटेड नौकरी करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी करते हैं ना तो सत्तर प्लस हज़ार रुपये पर मंथ मिलती है तो ये चीज़ है चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको अपडेट करेंगे थैंक यू